नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रंजन एक बार फिर हाजिर हूँ आप सबों के साथ अप्लाइड वेटनरी मेडिसिन पर चर्चा करने के लिए। आज का टॉपिक है एनिमल डिजीज़ रेबीज इन बोवाइन स्पीसीज, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है सभी पशुपालकों और पशु चिकित्सकों के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इटियोलॉजी अर्थात कारण। यह एक वायरल डिजीज है। यह वायरस मुख्य रूप से रेप्टोविरिडी फैमिली के लाइसा वायरस के अंतर्गत आता है। इस वायरस का शेप बुलेट के जैसा होता है, इसलिए इसे बुलेट शेप्ड वायरस भी कहते हैं। एपिडेमियोलॉजी अर्थात डिजीज का विस्तार। यह डिजीज सभी तरह के फार्म एनिमल्स में वर्ल्ड वाइड पाया जाता है। इस डिजीज का एक्सेप्शन ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड है, जहाँ यह नहीं पाया जाता है। इसका मुख्य कारण जियोग्राफिकल आइसोलेशन है। रेबीज डिजीज़ एनिमल से ह्यूमन में होने के कारण इसका जीनोटिक इम्पोर्टेंस हो जाता है। इन्फेक्टेड एनिमल के काटने से यह बीमारी मुख्य रूप से फैलता है। डिफरेंट जियोग्राफिकल एरिया में डिफरेंट एनिमल वेक्टर्स जो है उसका कारण है। यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में फॉक्सेज, स्कंक्स एंड रैकून्स जो है वो नॉर्थ अमेरिका में, अफ्रीका में मोंगूस, साउथ अमेरिका में वैम्पायर और एशिया कंटिनेंट में डॉग्स और उसके ब्रीड्स जो है ये मुख्य रूप से वेक्टर्स है। क्लिनिकल साइंस। रेबीज डिजीज़ के केस में रेबीज वायरस का इनक्यूबेशन पीरियड 2 वीक से सेवरल मंथ्स तक रहता है। मेजर क्लिनिकल साइंस को 2 पार्ट में बांटा जा सकता है, एक पैरालिटिक फॉर्म, दूसरा फ्यूरियस फॉर्म। पैरालिटिक फॉर्म में मेंटल बिहेवियर दिखाई पड़ता है। एनिमल का जो आवाज़ है वो नॉर्मल की तुलना में हायर पिच का आवाज़ हो जाता है। मेजर क्लिनिकल साइंस के पैरालिटिक फॉर्म में इनकोऑर्डिनेशन, डिक्रीज सेंसेशन ऑफ हाइंड क्वार्टर दिखाई पड़ता है। इनकोऑर्डिनेशन का मतलब है चलने में असामंजस्य रहता है। हाइंड क्वार्टर में सेंसेशन थोड़ा सा कम हो जाता है, जिस कारण से सीधा नहीं चल पाता है। इस पिक्चर में दिखाया जा रहा है डिक्रीज सेंसेशन इन हाइंड क्वार्टर, इस कारण से एनिमल मूवमेंट में इनकोऑर्डिनेशन शो करता है। साथ ही चूँकि मोटर नर्व्स इसमें अफेक्टेड होता है, इस कारण से एनिमल जो है लड़खड़ा के चलता है, जो इस बीमारी का महत्वपूर्ण लक्षण है। इन कोऑर्डिनेशन को हम लोग दूर से ऑब्जर्व कर सकते हैं, इसलिए इस एग्जामिनेशन में एनिमल के टच करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। नेक्स्ट क्लिनिकल साइंस जो कि डिजीज केस में दिखाई पड़ता है एनिमल्स में, वो है ड्रूपिंग ऑफ सलाइवा एंड फेरेंजियल पैरालिसिस। इन कोऑर्डिनेशन के बाद सबसे महत्वपूर्ण क्लिनिकल साइंस ड्रूपिंग ऑफ सलाइवा है। इंटेंस सलाइवेशन का मुख्य कारण ट्राइजेमिनल मोटर नर्व्स का पैरालाइज्ड हो जाना है, जिस कारण से एनिमल सलाइवा को इनगल्फ करने में कैपेबल नहीं रहता है। पैरालिटिक फॉर्म ऑफ डिजीज में अंतिम स्टेज रिकम्बेंसी आता है। रिकम्बेंसी के 48 आवर्स के बाद एनिमल का डेथ हो जाता है। पैरालिटिक फॉर्म का ड्यूरेशन जो है वो जनरली 4 से 7 दिन का होता है और ये अंतिम क्लिनिकल साइंस के रूप में होता है। क्लिनिकल साइंस का अगला फॉर्म है फ्यूरियस फॉर्म। फ्यूरियस का अर्थ ही होता है हाइपर एक्टिव। हाइपर सेंसिटिव स्टेज के बाद पैरालिसिस डेवलप होता है और तब एनिमल का डेथ होता है। हाइपर सेंसिटिव एक्शन जनरली साउंड्स एंड मूवमेंट के अगेंस्ट में होता है और एनिमल जो है नॉइज के अगेंस्ट में ज़्यादा अट्रैक्टेड होता है। ये इसका मेजर साइंस है फ्यूरियस फॉर्म का। फ्यूरियस फॉर्म में एनिमल इतना एग्रेसिव हो जाता है कि वो वायलेंटली अटैक करता है एनिमल के ऑनर तक को और अदर एनिमल्स पर भी। विशेष रूप से इसका साउंड जो है बहुत ही हॉर्स हो जाता है और एक्शंस जो है बहुत ही एग्रीगेटेड हो जाता है। रेबीज से ग्रसित कुछ एनिमल्स में क्लिनिकल साइम्टम्स के रूप में इनएबिलिटी टू स्वेलो दिखाई पड़ता है, जबकि कुछ एनिमल टर्मिनल स्टेज तक ईटिंग बिहेवियर को नॉर्मल बनाने लगता है। इस कारण से दोनों सिम्टम्स रेबीज से ग्रसित प्रत्येक एनिमल पर लागू नहीं होता है।
लेकिन जो साइन एंड सिम्टम्स स्पाइनल कॉर्ड या ब्रेन के इन्वॉल्वमेंट से जुड़ा हुआ है उसी को रैबिज डायग्नोसिस में इम्पॉर्टेंट माना जाता है। डिफरेंशियल डायग्नोसिस, रैबिज सिम्टम्स खास करके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड जो साइन सिम्टम्स है वो भी निम्नलिखित बीमारियों में भी ये सिम्टम्स दिखाई पड़ता है। लेड पॉइजनिंग, लैक्टेशन टिटनी, हाइपोविटामिनोसिस ए। इसके अलावा अन्य बीमारियों में भी रैबिज से मिलता जुलता सिम्टम्स दिखाई पड़ता है जो अगले स्लाइड में है। लिस्टेरियल इन्फेक्शन, पोलियो इंसेफेलोमलेशिया, नर्वस एसिटोनीमिया, इन तीन बीमारियों में भी रैबिज से मिलता जुलता सिम्टम्स, इन कोऑर्डिनेशन और साथ में डिक्रीज सेंसेशन इन हैंड लिम्स लक्षण परिलक्षित होता है। डायग्नोस्टिक कन्फर्मेशन ऑन द बेसिस ऑफ फ्लोरोसेंट एंटीबॉडी टेस्ट के माध्यम से देख कर सकते हैं। इसमें हिस्टोलॉजिकली जो है नेग्रीज बॉडीज दिखाई पड़ता है जो अगले स्लाइड में दिखाया जा रहा है। नेग्री बॉडीज इन ब्रेन ये फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोपी के थ्रू देखा जा सकता है। ट्रीटमेंट, देर इज़ नो ट्रीटमेंट एट ऑल। सारा रेबीज केसेस फैटल होता है। आफ्टर साइन एंड सिम्टम्स देर इज़ नो ट्रीटमेंट। कंट्रोल, डिजीज कंट्रोल के लिए सबसे बेस्ट है प्रिवेंशन ऑफ एक्सपोजर, इसके साथ वैक्सीनेशन ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स एंड वाइल्ड लाइफ। साथ में अगर बाहर से एनिमल्स को लाया जा रहा है तो क्वारंटीन एंड बायोसिक्योरिटी जो है इम्पोर्टेंट होता है टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ वायरस इनटू ए कंट्री। पोस्ट बाइट वैक्सीनेशन शेड्यूल 0, 3, 7, 14, 28 और 90 डेज के अंतराल पर वैक्सीन किया जाता है। रैबिज से संबंधित और भी गहरी जानकारी के लिए और विस्तृत जानकारी के लिए दिए गए रेफरेंसेस और फर्दर रेटिंग्स का उपयोग कर सकते हैं जो इस प्रकार दिया गया है। पशुपालकों के लिए विशेष सुझाव, एक बार डायग्नोसिस कंफर्म होने पर एनिमल को अलग बांध के रखें। ट्रीटमेंट इसका कोई भी नहीं है इसलिए इस तरह के ट्रीटमेंट को अवॉइड करें। सलाइवा के कॉन्टैक्ट को अवॉइड करें, ये रैबिज के रोकथाम के लिए अति आवश्यक कदम है। पोस्ट बाइट के कंडीशन में सुझाव, घाव के एरिया को सॉफ्ट सोप सॉल्यूशन से या सर्फ से पानी से साफ करें। आयोडीन सॉल्यूशन का उपयोग कर सकते हैं उसको घाव की सफाई के लिए, और दिए गए शेड्यूल के अनुसार वैक्सीनेशन का शेड्यूल अवश्य कंप्लीट करें। दिए गए जानकारी का उपयोग रैबिज के कंट्रोल के लिए अवश्य करें और औरों को भी ये जानकारी शेयर करें। नए वीडियो के साथ फिर हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।